गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर, हो रहे हैं गाड़ी में पैक। अच्छा यहाँ अनन्या बैठेगी। अनन्या ये कैसे बैठे हो आप? तो पहले हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ मंदिर और सबको लेके जाएंगे। ऐसे करो फिर, ऐसे करो, ऐसे जय कर, कैसे करते जय, कैसे करते जय दिया सबको, जी जय दिया, जय जय कर दो जी, अनन्या जय जय कर दो सारिया जी, जय जय जी, कुछ कुछ करो इसको, एक चीज कुछ कुछ करो कैमरा। हम मंदिर पहुंच गए हैं, मंदिर में जा रहे हैं अंदर की तरफ, पैसे ले लो और निकलते हैं फिर ऊपर। पैसे रख लिए हैं श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। पॉजिटिव साउंड प्रोड्यूस होती है ना, किससे? जब घंटी कब होती है, बेल करती है, कब होती है, टन होती है, जब कितनी देर तक वाइब्रेशंस जो रिलीज होती है उससे। कैसे होता है, क्या फंडा है, बजाया चलते रहे? नहीं नहीं, किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है वो, क्या हाँ बता दो सही, मेरे को नहीं एग्जैक्टली आपको बता दे। ये होता है हर मंदिर के हिसाब से, हर लॉजिक के हिसाब से अलग अलग घंटे लगा करते थे। पहले तो घंटिया बजाने जाते थे ना, बजवा बनवाने जाते थे, इसका भी लॉजिक होता है, इतने किलो का, इतने मिनट का, इतने सेकंड का घंटा चाहिए, 30 सेकंड, 50 सेकंड, कितनी देर साउंड आए, 60 सेकंड का साउंड नहीं है, वाइब्रेशन है। अच्छा। जाने के बाद के नीचे खड़ा हो जाता है, आँखे बंद करके हाथ जोड़ के। अच्छा। तो वाइब्रेशन जब हमारे सर से पूरे शरीर में से निकलती है, मतलब तो हमारी बॉडी की तो बजाने के बाद घंटी नीचे खड़े होना चाहिए। हाँ, नीचे खड़े रहने हाथ जोड़। मैं 3 बार तो कम से कम बजाती हूँ, एटलीस्ट 2 वाली घंटी के तो नीचे रहूंगी। पूरा प्रश्न है ना, वाइब्रेशन को पूरा जाने दो, नेगेटिविटी रिलीज होती है शरीर से। चलो फिर मंदिर से दर्शन हो गए, अब वापस घर की तरफ। रथ यात्रा भी है यहाँ 20। नहीं क्या खाने बैठे हैं हम, बैठिए शांति से देख के जाइए। खाती है ये डोसा, ये अनन्या वहाँ हरकतें कर रही है, सीटी भी लगी आपको, सारा डोसा कर देना। हाँ 20 मिनट। अनन्या काऊ कहाँ थी, उसका ध्यान ही नहीं है। नन्या कहाँ गए थे हम, कहाँ गए थे हम, चलो चलो पापा पास चलो। तो फाइनली हम आ गए हैं डोसा खा के, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी हो रखी है, बिकॉज बारिश होने का सीज़न है और बारिश हुई नहीं है, हुई भी थी बट काफ़ी ह्यूमिडिटी है। तो बस अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। नोएडा सारा ऐसे ही भरा है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के, बिना लिफ्ट के तो ट्रैवल नहीं कर सकते। 5-5 लिफ्ट होती है अंदर। निकालना लेता पीछे को निकल गई थी, फिर ये होता ना फिर थोड़ा दिक्कत देती गाड़ी, फिर पूरी गाड़ी चल जाती है। यस पानी पी लो। पापा
ये डीलर के थ्रू पता करना पड़ता है। हाँ, तो मुझे ये फ्लावर मिला, मैंने सोचा कि क्यों ना इस फ्लावर को मैं ले आऊँ और अपने बालों में सजा लूँ। कैसा लग रहा है गाइस ये फूल? अनन्या आपको चाहिए फ्लावर? यू वांट दिस? ले लो बूजी के कान से निकाल लो, ले लो, है ना, ले लो। ये ले गया बच्चा, यहाँ पे ये नीचे गिर गया। आपने लगाना है? मैं लगा देती हूँ। फूल ले, फेंक दिया। क्या हो गया? फूफा हो गया? यहाँ लगा लो इसको। ये अच्छी है। ब्यूटीफुल। फेंक दिया। सो गाइस फाइनली हम अब आ गए हैं मार्केट से वापस और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई और गर्मी लग रही है। मैंने तो बाल पहले ही टाई कर लिए थे, सांस आई है फैन चला करके। और गाइस मेरे साथ अभी क्या ट्रेजेडी हुई थी आज, आज मैंने अपना फ़ोन यहाँ चार्जिंग में लगाया था। कहाँ लगाया था? यहाँ पे लगाया था फ़ोन चार्जिंग में। और आपको पता ये ब्लॉग मैंने दिखाया, ये मेरा फ़ोन था और फ़ोन को चार्जिंग में लगाया था, फ़ोन वहाँ से गिरा नीचे, जल्दबाजी में ऑफिस अभी जा रहे थे तो स्क्रीन कार्ड चेंज करना पड़ा। इसीलिए अगर आप अपना फ़ोन फुल चार्जिंग में लगाते हैं मेक श्योर कीजिए कि आप सेफ जगह लगाएं, नहीं तो गिर के स्क्रीन कार्ड टूट सकता है, स्क्रीन भी टूट सकती है। सारा इसने क्लिप डिलीट कर देना, क्लिप कर दीजिए। ये चलो फिर आगे दौड़ो, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। अनन्या अंदर पहुंच गई मंदिर में। टमाटो, टमाटो, व्हाट आर यू ईटिंग अनन्या? हेलो टमाटो, ये नहीं है, लहसुन है। अनन्या भाभी सो रहे हैं और अनन्या क्या कर रही है इस समय, अनन्या इस डोर को बार बार बंद कर रही है और खोल रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है ताकि वो सो ना पाए। और मिया कर रही है अपनी एडिटिंग और वो वहाँ पे भी। पहली बार अनन्या ने छाता खोलना सीख लिया, अब खुश हो गया अनन्या बाबू, है अनन्या? नीचे ये बंद कर दो अनन्या इसको। नो नो नो, जीभ नहीं निकालते। ये भैया चुप के अंदर जा रहे हैं कि मैं इसकी वीडियो बना रही होगी और मैं निकल रही हूँ इनके घर से वापस।
7 और जा रही हूँ लड़की को, बहुत दूर है। ब्लॉग के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं कल फ्रेश ब्लॉग से। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।